रेट लो एक्सप्रेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट लो एक्सप्रेशन के बारे में। और रेट लो एक्सप्रेशन के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है। तो रेट लो एक्सप्रेशन जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन से ही हमने बनाया है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसकी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कोई भी एक काल्पनिक रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी मिलकर क्या दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं पी। तो अगर मुझे यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो ए रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन और ये बी रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर हुआ, और इसी को हम बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लो एक्सप्रेशन। तो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए रेट लो एक्सप्रेशन क्या होता है और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक कोई भी एक जनरल रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन है कि एक्स ए प्लस वाई बी गिव्स प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या है, अब ये जो ए और बी है रिएक्टेंट, इनके कोफिशियंट भी गिवन है, तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई के। ध्यान रखना है, तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन रखता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है के। क्या आएगा, के। तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स और ये हो जाएगा बी की पावर वाई। क्लियर हुआ। अच्छा, एक कोई जनरल रिएक्शन है कि एम वन ए प्लस एम टू बी गिव्स, या ऐसे लिखेंगे प्लस एम थ्री सी गिव्स प्रोडक्ट, इस तरह की एक रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान से समझना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कंसेंट्रेशन एम वन, ठीक है, बी की कंसेंट्रेशन एम टू और सी की कंसेंट्रेशन एम थ्री, यही तो होगा। तो अगर मैं यहां से क्या करूं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा के। तो ये हो जाएगा ए की कंसेंट्रेशन एम वन, बी की कंसेंट्रेशन एम टू और सी की कंसेंट्रेशन एम थ्री, यही तो होगा। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है। तो सपोज करो कि जो तीनों की कंसेंट्रेशन है वो सेम ही है, तो आर बराबर के, ए बी सी क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या एक जनरल है कि आर बराबर के रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर। तो आर बराबर के कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसकी पावर, तो यहां पे मैं पावर सबकी ऐड कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। तो इसको हम जनरल में इस तरह लिख सकते हैं, तो जो ये एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री होता है ना, इसको हम बोलते हैं, इसे हम लेते हैं एन के बराबर और इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां तक तो हमने रेट लो एक्सप्रेशन तो हमने यहीं पे समझ लिया है पूरा इन दो एग्जांपल के थ्रू। यहां पे हम क्या समझ रहे हैं, यहां पे हम समझ रहे हैं ऑर्डर क्या होता है। तो किसी भी रेट लो एक्सप्रेशन में, समझना ध्यान से ऑर्डर क्या होता है, किसी भी रेट लो एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन होती है, उसकी जो पावर होती है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं के बारे में, यहाँ पे जो के है वो क्या है, तो के यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। के क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, और इस के को ही हम बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे इसके नाम है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, तो ढेर सारे नाम है इसके। तो ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्री से नहीं डिफाइन कर सकते हैं, हम क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं बाय रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन की मदद से। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें किसी रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है तो हमें उसका रेट लो एक्सप्रेशन मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं। हम स्टोइकोमेट्री से उसका ऑर्डर नहीं बताएंगे, हम रेट लो एक्सप्रेशन से उसका ऑर्डर बताएंगे। और आगे हम आज की इस वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑर्डर निकाला जाता है, क्या यूनिट होती है रेट कॉन्स्टेंट की, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं के बारे में।
ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे के बारे में। रेट लो एक्सप्रेशन के बारे में हमने बात कर ली, अब हम लेके आते हैं अपने टॉपिक के को। तो देखिए के की अगर हम बात करें, के को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो जैसे हमने कोई भी रिएक्शन ली कि आर बराबर के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, तो अगर मैं यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन को और बी की कंसंट्रेशन को 1 ले लेता हूँ, कहने का मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को कितना ले लेता हूँ, 1, तो 1 की पावर जो भी होगी आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो, आर किसके बराबर होगा, के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज टेकन एज यूनिटी। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज टेकन एज यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1। तो ये तो हमने बात की स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने की, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकाली थी लास्ट वीडियो में, अब हम बात करेंगे इसमें के की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं कि आर बराबर के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं ऑर्डर, ये जो m1 प्लस m2 प्लस m3 जो भी आया वो एन ही को एन से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं dx अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो बराबर के और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर n। अब देखो ये है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की होती है सेकेंड, बराबर के, और यहां पे कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, क्योंकि ये एक्स भी तो कंसंट्रेशन ही है, और ये हो जाएगी एन। तो यहां से के की यूनिट हो जाएगी मोल लीटर सेकंड, और यहां पे आ जाएगी ये लीटर अपॉन मोल की पावर एन। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीन तरह की, वैसे तो हमारे पास अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन आती हैं। अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जिसके एन की वैल्यू कितनी हो, जीरो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जब भी हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की बात करेंगे एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0 मतलब 1, 0 माइनस 1 मतलब -1, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, क्योंकि आगे इस चैप्टर में हम ये सारे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, जीरो ऑर्डर क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, एन की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 1 0, और ये सेकंड इनवर्स, तो के की यूनिट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स। क्लियर हुआ, ऐसे ही अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स, क्योंकि 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो लीटर, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि के की यूनिट क्या होती है और स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है। अच्छा, ये तो हमने बात की के की यूनिट कंसंट्रेशन की टर्म में, लेकिन अगर के की यूनिट हमें प्रेशर की टर्म में निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि के की यूनिट अगर प्रेशर की टर्म में निकालनी पड़े तो कैसे निकाली जाती है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, के की यूनिट प्रेशर की टर्म में। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि यूनिट ऑफ के इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्या लिख रहा हूं, यूनिट ऑफ के इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ के इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि आर बराबर, आर का मतलब dx/dt, ये बराबर होता है के कंसंट्रेशन की पावर N. तो यहां पे कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो अपॉन सेकंड। ठीक है, बराबर के, यहां पे भी क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन की जगह एटमॉस्फेयर, क्योंकि कंसंट्रेशन की जगह एटमॉस्फेयर यूज कर रहे हैं, तो के की जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी एटमॉस्फेयर, और ये सेकंड ऊपर जाएगा, तो सेकंड इनवर्स अपॉन एटमॉस्फेयर की पावर एन, तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर की पावर, ये 1 है, ये एन है, तो ये 1 माइनस एन, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। क्लियर हुआ, अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू 0 रख दो यहां पे, तो के की वैल्यू हो जाएगी एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, और अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 0 सेकंड इनवर्स।
और अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो प्रेशर के टर्म्स में के की यूनिट क्या होती है, कैसे निकालेंगे, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आई, हमने एक तो बात की रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और यहाँ पे हमने बात की रेट कॉन्स्टेंट के बारे में, के रेट कॉन्स्टेंट को के से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से। तो इनके ऊपर अगर इनके बीच में बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि इट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर हम बात करें रेट कॉन्स्टेंट की, तो ये सिर्फ एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट होता है, और वो स्पीड होती है। क्लियर हुआ? और अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इसकी जो वैल्यू होती है या इसकी जो यूनिट होती है वो कंसर्न ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती, इट्स यूनिट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट्स यूनिट डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो रेट कॉन्स्टेंट है इसकी यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, तो यहां पे लिख रहा हूं इट्स यूनिट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी जो यूनिट होती है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ऑर्डर यूज करते हैं ना, एन वन है, जीरो है, जीरो है, वन है, टू है, तो के की यूनिट उस पर डिपेंड करती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, के क्या होता है, के को कैसे हम डिफाइन करेंगे, एंड के की यूनिट हम कैसे निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात करी, यहां से हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी है ऑर्डर। अब जो ऑर्डर है इसके ऊपर थ्योरेटिकल पोर्शन तो कम है, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन कम है, लेकिन इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर वो काफी ज्यादा है। तो हम इस ऑर्डर को इस वीडियो में ना कवर करके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक के साथ, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर ढेर तरह के न्यूमेरिकल्स करने सीखेंगे, और कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं, क्या क्या कंडीशन होंगी, कैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन के ऊपर और ऑर्डर के ऊपर मिक्स प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।